धन्यवाद रेखा जी। ये जानना चाहेंगे कि दर्शन के रूप में योग की क्या भूमिका है। आम लोग इसको आसन या प्राणायाम के नाम से ही अधिक जानते और समझते हैं, जो कि पूरा बहुत व्यापक दर्शन है। योग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग तो भारत की एक अमूल्य निधि है। दर्शनों में एक गिना गया है, पतंजलि मुनि ने इसका प्रणयन किया और योग दर्शन की परिभाषा पतंजलि ने दी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग केवल एक तत्व मीमांसा नहीं है, अन्य सभी दर्शन तत्व मीमांसा से प्रेरित होते हैं, लेकिन योग दर्शन किसी सैद्धांतिक विवाद में नहीं पड़ता। भारतीय दर्शन की एक पद्धति रही है, हमेशा हमारे शास्त्र ग्रंथों में पहले पूर्व पक्ष दिया जाता है और फिर सिद्धांत पक्ष, आप तो जानते हैं। योग दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें कोई पूर्व पक्ष नहीं है, क्योंकि योग की स्वीकृति सभी संप्रदायों में रही, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, और चाहे हमारे वैदिक दर्शन हो, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और वेदांत। क्योंकि योग भारत में केवल एक दर्शन नहीं रहा, एक दृष्टि नहीं रही, योग तो जीवन की एक पद्धति रही है। याग और योग, ये दोनों भारतीय संस्कृति के परिचायक तत्व हैं। तो योग का महत्व अत्यंत व्यापक और असंदिग्ध है। योग के दर्शन के रूप में हम प्रमुख तत्वों को जानना चाहते हैं, तो हम उन्हें किस तरह नई पीढ़ी को बता सकते हैं? जी, ये आपने अच्छा पूछा, क्योंकि प्रायः आजकल जिसको हम योग समझते हैं, जैसा आपने भी कहा कि केवल आसन ही योग है, प्राणायाम और अधिक आए तो प्राणायाम पर, लेकिन वास्तव में योग के 8 अंग पतंजलि ने बताए हैं, अष्टांग योग हम उसी को कहते हैं। उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 5 जो हैं प्रत्याहार, ये 5 उसके बहिरंग साधन हैं और 3 उसके अंतरंग साधन हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आसन इनमें से तीसरा है। इससे पहले जो 2 हैं, यम और नियम, वास्तव में उनमें पूरा भारतीय आचार शास्त्र समाया हुआ है। जो यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पतंजलि ने कहा कि अगर जाति, देश, काल और समय की सीमाएं न रहें, तो ये तो सार्वभौम महाव्रत है, यूनिवर्सल एथिक्स है। आप देखिए, ये 5 यम और 5 जो नियम है वो वैयक्तिक है। यम सार्वभौम है, समष्टि के लिए है, और नियम व्यक्ति के लिए, विश्व के लिए है। तो पहले एक भावभूमि तैयार करनी होती है। दार्शनिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से सीधे आसन पर हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन आजकल हम केवल आसन को, यद्यपि उसकी भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन उससे पहले हमें पूरी तैयारी करनी होती है। जिसके पास में समय कम है, जीवन की आपाधापी के लिए, या ऐसी स्थिति में वो किस तरीके से इन परिधियों को पालन करते हुए योग से जुड़ा? तो जैसा मैंने पहले कहा कि हम आसन, तरह तरह के आसन आजकल लोग प्रयोग कर रहे हैं, उनका अभ्यास भी करते हैं, उन आसनों से हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए लाभ होता है। लेकिन योग केवल शारीरिक चिकित्सा का नाम नहीं है। योग शब्द ही बना है, 2 धातुओं से इसकी प्राय निष्पत्ति की जाती है, युज समाधव और युजिर योगे। तो युज समाधव, पतंजलि का योग समाधि योग है, समाधि उसका अंतिम अंग है, 8वां, उससे पहले 7 अंग हैं। और दूसरा है युजिर योगे, कि जुड़ जाना, ये भी योग है। ये हम जानते हैं, गीता में तो योग की कई परिभाषाएं दी गई हैं। जो आजकल स्किलफुल लर्निंग की बात हो रही है, योगः कर्मसु कौशलम्, ये हमारे शारीरिक क्रियाकलापों को, चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हमें लिखना है, सफाई करनी है, भोजन पकाना है, पढ़ाना है, या आपको कैमरामैन का कार्य करना है, जो भी कार्य हम करें उसे पूरी दक्षता से करें, स्किलफुली करें, ये योग। और दूसरा, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सुख दुख समय भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समत्व भी योग है, इक्वेनिमिटी, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, इन सब में समान रहना, ये एक मनोदशा को संतुलित और व्यवस्थित करने की बात है। तो जब हम कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम्,
तो हमारी शारीरिक क्रियाओं में दक्षता आए, हम काम में बिल्कुल तन्मय हो जाएं, वही काम हम खींचते हुए चलते हुए भी कर सकते हैं और वही काम हम आनंद लेते हुए, जिसे बौद्ध दर्शन में जॉयफुल लर्निंग, माइंडफुल ईटिंग, इन शब्दों से आज बताया जा रहा है, योग उसी दशा का नाम है कि जो भी कार्य करें उसमें तल्लीन हो जाएं। तो इस दृष्टि से हमारी बहुत सी क्रियाएं जो जीवन में चलती हैं वे सब योग हैं। जो अभी बात हम कर रहे थे कि समत्व का नाम भी योग है, अब देखिए दार्शनिक दृष्टि से इसको देखें और व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो सुख और दुख में, इस सांसारिक जीवन में साधना या समत्व भाव को धारण करना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो एक व्यक्ति या जिस तरह का कार्यक्रम हम बना रहे थे, हम लोग बच्चों के लिए भी है, किशोरों के लिए भी है और हमारे प्रौढ़ के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, तो इस तरह उस एकत्व या समत्व को जो धारण करें क्या उसकी प्रक्रिया हो सकती है या होनी चाहिए? जब वास्तव में इसी साधना का नाम योग है, उस अपनी मनोभूमि को, अपनी भावभूमि को इतना विकसित कर लेना या इस स्तर तक संतुलित कर लेना कि हम सुख में और दुख में विचलित होना तो स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, लेकिन इतने विचलित न हो जाएं कि हम अपना कर्तव्य ही भूल जाएं। आप गीता में देखिए अर्जुन का विषाद योग है, तो जब वो विषाद उसे बहुत खिन्न बना देता है, किम कर्तव्य विमूढ़ कर देता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, यही भूल जाता है, किंतु उसका विषाद केवल विषाद नहीं है, वो योग भी है। गीता के सारे अध्यायों में आप देखिए 18 के 18 अध्यायों में योग जुड़ा हुआ है और गीता एक योग का शास्त्र है। तो जब हम किसी भी कर्म में संशय में भी पढ़ते हैं किंतु हम जानते हैं कि हमें किसके साथ, अपने से ऊंची जो हमारी विभूति है, जो परम सत्ता है, उसके प्रति हम जुड़ जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, तो हमारा विषाद भी योग बन जाता है। तो ये समत्व की साधना, ये कर्मों में कौशल की साधना, इसकी प्रेरणा हमें मिलती है उन लोगों से जो हमसे पूर्व इस दशा को प्राप्त कर चुके हैं, और योग में जो यम और नियम का अभ्यास है वो शायद इसी चित्त भूमि की तैयारी को। यम और नियम को हमारे जो विशेष रूप से जिन बच्चों को हम योग सिखाते हैं या जिन किशोरों को इसे प्रेरित करते हैं, क्योंकि यौवन के उल्लास में या बचपन के उस खिले हुए सौंदर्य में लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हमें अभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही खुश हैं या हम वैसे ही, जबकि बहुत स्तर पर उनकी आवश्यकता रहती है। और छुटपन से यदि इसका अभ्यास कर लिया जाए या अपने जीवन और आचार शैली का हिस्सा बना लिया जाए तो पूरे जीवन के लिए वो एक प्रकार से ऐसी पूंजी का काम करता है कि कभी खुटती नहीं। देखिए जो नियम है हमारे पांच बच्चों के लिए, हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, आप भी हमारी ही पीढ़ी की हैं, हमारी दादी नानी ने जो हमें शिक्षाएं दी वो लोग योग दर्शन में ही पढ़े हुए थे, लेकिन ये सारे योग के अंग हमारी जीवन शैली में समाहित थे। शौच सबसे पहला है, आज जिसे हम स्वच्छता के नाम से जान रहे हैं, तो शारीरिक शुद्धि, अपने आसपास के वातावरण की भौतिक शुद्धि, विचारों की शुद्धि, ये शौच है। तो शरीर के प्रत्येक अंग को स्वच्छ और पवित्र रखना, ये जो पवित्रता का भाव है, शुचिता का भाव है, यही शरीर से बढ़कर भाव तक, भाव से फिर विचार तक जाता है, ये शौच है। बच्चों को आज भी हाइजीन की शिक्षा दी जाती है, वही शौच है। शौच के बाद आता है संतोष। संतोष का अर्थ है कि जितना हमारी अपेक्षा है, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना हम लें, लेकिन उससे आगे लोभ ना करें। तो जैसा गांधी जी ने कहा कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, तो नीड और ग्रीड में भी एक संतुलन हो, अपेक्षा के अनुरूप हम लें और अपेक्षा से अधिक। आजकल जो हमारी एक होड़ लगी है संजोने की, ढेर लगाने की, जो कंज्यूमरिज्म और ओवर इंडल्जेंस की जो प्रवृत्ति चल रही है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए जो दूसरा हमारा नियम है संतोष। बच्चों को भी हमारे पूर्वज सिखाते थे हम लोगों को कि इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है, और शायद तब इतने तरह का प्रदर्शन नहीं था, बहुत साधारण जीवन, उच्च विचार, ये जो जीवन का एक आदर्श था। शौच के बाद आया संतोष, संतोष के बाद है तप। जब तक शरीर में शुचिता नहीं होगी, विचारों में पवित्रता नहीं होगी और जब तक हमारे मन में संतोष की भावना नहीं होगी,
तक हम तप नहीं कर सकते। तप का अर्थ यह नहीं है कि पहाड़ में जाकर हम समाधि लगा कर बैठ जाएं। महाभारत में कहा है, मनसश्चैन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तपः। तप क्या है? तप है एकाग्रता, कंसेंट्रेशन। आज बहुत बच्चों में ये समस्या पाई जाती है कि फोकस नहीं होता है, कंसेंट्रेशन नहीं होता है। तो मन को और इंद्रियों को एकाग्र करना ये तप है। ये तप कब संभव होगा? जब हमारे मन में संतोष हो। आज तो जिधर देखिए वहाँ केवल विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, खाने के प्रति, कपड़ों के प्रति, प्रत्येक वस्तु के प्रति आसक्ति, अति आसक्ति है। तो ये सारी जो साधना है, योग एक साधन भी है समाधि तक पहुँचने का, और योग एक साधना भी है। तो शौच, संतोष और तप के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो स्वयं पढ़ना किसी शास्त्र को, जो गुरु ने पढ़ा दिया अब हमें वो स्वयं पढ़ना है। दूसरा है स्वयं का अध्ययन, कि अब अंतर्मुखी होकर कैसे बहिर्मुखी इंद्रियों को हम अंतर्मुखी करें, विषयों से उन्हें हम हटाएं और अंदर चिंतन की तरफ, मनन की तरफ कैसे उन्हें केंद्रित करें, ये हमारा है स्वाध्याय। और स्वाध्याय के बाद आता है ईश्वर परिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों को करना। सारी गीता के बाद भगवान कृष्ण ने यही कहा कि जो कुछ भी करते हो वो तुम मुझे अर्पण कर दो। यदि हम इस भाव से कोई भी कर्म करते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो हम अपने फल की प्राप्ति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं, अपितु ईश्वरार्पण भाव से कर रहे हैं। और योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान का बड़ा महत्व है। समाधि की सिद्धि एक तो क्रमशः होती है इन अंगों के पालन से, और दूसरा विकल्प दे दिया पतंजलि ने, ईश्वर प्रणिधान भाव। अगर इस मार्ग से, कठिन मार्ग से सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते तो एक दूसरा भी मार्ग है, वो मार्ग है ईश्वर को अर्पण कर देना, ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो पांच नियम हैं ये बच्चों से लेकर बूढ़े, और वास्तव में इनका संस्कार तो बचपन में ही पड़ता है। आज अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति को ये सब सिखाएंगे तो उसके लिए सीखना आसान होगा लेकिन अभ्यास करना मुश्किल होगा। लेकिन आप भी जानती हैं कि हम लोगों ने बचपन में जो मूल्य सीखे हैं, जो संस्कार हमने लिए हैं, वो आजीवन हमारे साथ रहते हैं। यन्नवे भाजने लग्न संस्कार और नान्यथा भवे। कच्ची मिट्टी पर जब हम कोई लकीर खींच देते हैं तो वो मिट्टी नहीं है। योग को बच्चों में सिखाने के लिए या बच्चों को योग सिखाने के उसके विभिन्न पक्षों पर बहुत ही अच्छी तरह प्रकाश डाला। ये आपसे जानने की इच्छा है कि ऐसा हर एक के साथ होने पर फिर भी कई बार वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते या वार्धक्य के पहले की स्थिति में लोगों को जीवन की आपाधापी के चलते ये लगता है कि मैंने कितना क्रिया कराया, जैसे सब कुछ ऐसा हो गया है, या कोई अपेक्षा मैंने नहीं कि फिर भी मेरे जीवन को ये सब तकलीफ या ऐसा क्यों हो रहा है। उस समर्थ को भाव जो उनके जीवन में रहा होता है या आ जाना चाहिए वो भी कई बार नहीं आ पाता है। और समय के साथ साथ जीवन शैली बदलती है, आचार के मूल्य भी बदलते हैं, उसके प्रभाव के कारण यह संवेदना का धरातल है वो भी एक प्रकार से करवट लेता है। तो ऐसे में हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो कैसे अपने को साधे या योगानुरूप जीवन को बनाए? देखिए, पहले तो हमारे देश में आश्रम व्यवस्था थी और वृद्धावस्था तक आते, और वृद्धावस्था कहाँ से शुरू होती है ये तो निश्चित करना कठिन है, लेकिन आश्रम का जो विभाजन किया गया था, एक सामान्य जन की आयु 100 वर्ष मानी गई और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, 50 तक गृहस्थ है, और उसके बाद वानप्रस्थ से यह साधना शुरू होती थी कि विषयों के भोग से धीरे धीरे मन को हटाते हुए हमें अब साधना की ओर, अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास की ओर बढ़ना है। तो जो लोग जिस संस्कार से, जिस पृष्ठभूमि से तैयार होकर आए हैं उसी वृत्ति, क्योंकि हम जानते हैं स्वभाव बदला नहीं जा सकता, स्वभाव और अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। तो स्वभाव तो बदलना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए संस्कार बचपन से डाले जाएं, और संस्कार के साथ साथ जब स्वाध्याय किया जाए, और स्वाध्याय से भी पहले जो पांच यम पतंजलि ने बताए हैं,
उन्होंने नियम से भी पहले यम को रखा है, इसीलिए क्योंकि पहले हमें दूसरों के साथ एडजस्ट होना है, तब हम अपने अंदर को विकसित कर सकते हैं। अहिंसा उन्होंने सबसे पहले दी है, और अहिंसा मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रकार की है, कि हम वाणी से किसी को कष्ट ना दें, मन में भी किसी के लिए बुरा ना सोचें, और शरीर से भी किसी की हिंसा ना करें। और ये पांचों जो महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ज्यों के त्यों जैन दर्शन में भी लिए गए हैं। योग दर्शन में जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये ली गई हैं, ये ज्यों के त्यों बौद्ध दर्शन में पाए जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि योग सारे भारतीय समाज में, भारतीय जीवन शैली में समाया हुआ है। यहाँ तक कि जिस दर्शन की मैं विद्यार्थिनी हूँ, वैशेषिक दर्शन की, प्रायः उसे समझा जाता है कि इसका अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है, और योग से तो कतई इसका कोई संबंध नहीं, दोनों का आपसी संबंध जी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो प्राचीन काल में वैशेषिक को योग ही कहा था, और योग नाम से ही उसका उल्लेख किया गया है एक दो स्थानों पर। किंतु प्रश्न उठता है कि वैशेषिक उस दृष्टि का योग नहीं है जो समाधि योग वाली पद्धति है पतंजलि की, तो दूसरा अर्थ है युजिर योगे, दो चीजों को मिलाना। भले ही वो कितनी विरोधी प्रतीत हो, लेकिन जब उनमें परस्पर पूरकता की दृष्टि से हम उन्हें मिला देते हैं, तब उसे योग कहते हैं, जोड़ना जी। और वैशेषिक शुरू होता है धर्म की व्याख्या से, अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः। प्रश्न उठता है धर्म क्या होता है। धर्म से तो आजकल पता नहीं किस किस तरह के तात्पर्य लिए जा, धारणा धर्म। कणाद ने कहा यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। तो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों, अभ्युदय है भौतिक प्रगति और निःश्रेयस है आध्यात्मिक उन्नति। तो हमारे चिंतन में भौतिकता का निषेध नहीं है। आप देखिए ईशावास्योपनिषद, तेन त्यक्तेन भुञ्जीहा, भोग की मनाई गई है, लेकिन त्याग पूर्वक भोगना है। अर्थ और काम का सेवन करना है, लेकिन धर्म पूर्वक करना है। तो जब धर्म पूर्वक अर्थ कमाया जाएगा, धर्म पूर्वक काम का सेवन होगा, तब वो मोक्ष की ओर ले जाने वाला होगा। तो कणाद के वैशेषिक दर्शन में अभ्युदय और निःश्रेयस का संयोग है, इसलिए वो भी योग है। लेकिन कणाद ने खुद जो परिभाषा दी है योग की, उन्होंने कहा कि मन को विषयों से हटाकर आत्मा पर केंद्रित कर देना। आत्मा के साथ उसका संयोग नहीं रहता है मोक्ष दशा में, लेकिन मन जब विषयों से हटकर आत्मा पर केंद्रित हो जाता है, तब वो योग है। मन की प्रवृत्ति ऐसी है कि ये बहिरिंद्रिय भी है, अंतरिंद्रिय भी है, बाहर की इंद्रियों के साथ भी दौड़ता है और आत्मा की ओर भी जाता है। हम प्रायः किधर भागते हैं, बाहर के जगत की, दृश्य जगत की ओर जाते हैं, लेकिन जब दृश्य जगत से मन को मोड़कर, सबसे बड़ी कठिन चीज यही है। आमतौर पर लोग ये जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या चीज है, क्योंकि दिखाई नहीं देती, महसूस करने वाली बात है, अनुभव करने वाली बात है। तो हम अपनी नई पीढ़ी को खासतौर पर इस आत्मदर्शन से कैसे परिचित करें। जी बहुत अच्छा, ये कहा गया है अयम ही परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शन। यही परम धर्म है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, योग के द्वारा आत्मा का दर्शन। तो योग आत्मज्ञान का साधन है। आत्मा क्या है? आत्मा अपना आपा है, जो जिसको मैं अहम कहते हैं वही आत्मा है। अब वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, पूरा भारतीय दर्शन इसी की कहानी कहता है। आत्मा के स्वरूप के विषय में न्याय दर्शन कहता है, आत्मा वो है जो विषयों का भोग करता है, सुख दुख का अनुभव करता है। आत्मा वो है जो कार्यों को करता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये न्याय दर्शन है। वैशेषिक भी उसी के साथ है। सांख्य कहता है कि आत्मा या पुरुष, वहाँ आत्मा को पुरुष कहा गया है, और ये जी वहाँ पुरुष का मतलब वो किसी लिंग से नहीं है, जेंडर न्यूट्रल टर्म है वो पुरुष। पुरुष का अर्थ है पुरी शेते, जो शरीर में रहता है वो पुरुष है, अर्थात आत्मा, जिसे गीता में देह और देही कहा। ये देह शरीर है और देही इसमें रहने वाला आत्मा है। तो सांख्य कहता है कि पुरुष कर्ता नहीं है,
पुरुष भोक्ता नहीं है, लेकिन प्रकृति के संपर्क से वो अपने को मान बैठता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। और इसी को फिर वेदांत और आगे ले जाता है, और वो भी यही मानता है कि आत्मा स्वरूपतः कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है और ज्ञाता भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय सब उसमें लीन हो जाते हैं। तो मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि आज जैन दर्शन में उसे जीव कहा गया है, बौद्ध दर्शन को प्रायः कहा जाता है कि वो आत्मा को नहीं मानते हैं, वो अनात्मवादी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध दर्शन आत्मा की नित्यता को नहीं मानता है, आत्मा को मानते हैं, आत्मा की नित्यता को नहीं मानते हैं। तो इसलिए आत्मा वो है जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि गुणों का आधार है। अब गुण और गुणी में भेद है या ये दोनों एक हैं, ये अलग प्रश्न है। और हमारे इस योग संबंधी कार्यक्रम में मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत की ये जो योग संपदा है वो विश्व के फलक पर प्रतिष्ठित हुई है। 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो हमारे भारतीय दर्शनों ने जिस मूल्य मणि को विराजित किया था कि ये सारे दर्शनों का एक प्रकार से प्राण है, और वेदों में इसी योग विद्या को प्राण विद्या के नाम से कहा गया, नमो प्राणाय तस्मै यस्य सर्वमिदं वशे। तो ये जो हमारी प्राण विद्या है, उस प्राण विद्या का अवान्तर काल में योग विद्या नाम हुआ, आज वो योगा के रूप में बहुत प्रचलित है। उसका और विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो, भारत की ज्ञान वैभव का संसार में और उत्कर्ष हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रसारण परिसर में आए और आपने दर्शन जैसे समझे जटिल समझे जाने वाले विषय पर भी इतनी सरलतापूर्वक जानकारी दी, और हमारे जो बालियों के दर्शक हैं या युवा दर्शक हैं या जो हमारे प्रौढ़ दर्शक हैं उनके लिए इतनी लाभदायी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।